मनहूस चित्रकार। फैजपुर नाम के गांव में लल्लू लाल नाम का एक लड़का रहता था। वो अक्सर अकेला ही रहा करता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं बनता था। लेकिन उसकी एक खासियत थी कि वो चित्रकारी बहुत अच्छे से करता था। चित्र बनाने पर लल्लू लाल को हमेशा स्कूल में पहले नंबर पर रखा जाता। लेकिन कोई भी स्कूल में लल्लू लाल से अपनी कॉपी में चित्र नहीं बनवाया करता था। सबका मानना था कि लल्लू लाल जिसकी कॉपी में चित्र बनाता है उसका पूरा साल बेकार हो जाता है और वो उस विषय में फेल हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी आर्ट में सबसे ज्यादा नंबर लल्लू लाल का है। मास्टर जी शाम को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं और सभी बच्चे ताली बजाते हैं। ऐसे चित्रकार का भी क्या फायदा जो सिर्फ चित्र बनाने में ही नंबर लाता हो और दूसरों का चित्र बनाए तो उसका साल ही बेकार हो जाता है। अरे यह दूसरों का तो करता ही है, साथ में अपना भी साल खराब करता है। देख नहीं रहे, 3 साल से एक ही क्लास में है। हर साल आर्ट के विषय में से सम्मान मिलता है और सब विषय में तो ये फेल ही हो जाता है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लल्लू लाल उदास हो जाता है और घर आकर बिना खाए पिए सो जाता है। अगले दिन सुबह सोकर उठता है तो लल्लू लाल से उसके पिता मंगत लाल कहते हैं, बेटा तुम सुबह सुबह बाहर घूमने क्यों नहीं जाते हो? मैं रोज बाहर जाकर देखता हूँ, तुम्हारे साथ के सभी बच्चे टहलते हुए मिलते हैं। क्या हुआ लल्लू, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पापा, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तुम स्कूल से आकर घर पर ही रहते हो इसलिए तुम्हारा मन नहीं कर रहा। ऐसे घर पर ही रहोगे तो तुम्हारा शरीर बेकार हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। लल्लू लाल के पिता बार बार बाहर जाने के लिए लल्लू लाल से जिद करते हैं तो लल्लू लाल ना चाहकर भी बाहर टहलने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे जो भी बच्चा देखता वो यही कहता, अरे मनहूस तू सुबह सुबह क्यों टहलने आ गया? तुझे पता है ना सब दिन अच्छा जाने के लिए टहलने आते हैं और तूने पूरे गांव वालों का दिन खराब कर दिया। तुझसे घर में बैठा नहीं जाता क्या? वहीं पास में खड़ा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति महेश की बातें ध्यान से सुन रहा था। तुम क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? वो तुम्हारे साथ पढ़ता है तुम्हें पता है ना? हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मनहूस कह रहा हूँ। जिसकी भी कॉपी पर ये चित्र बनाता है वो साल फेल हो जाता है। इसकी तो शक्ल देखना भी पाप है पाप। बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोलता है, बेटा तुम आज के जमाने के बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इससे ज्यादा तो मुझे तुम मनहूस लग रहे हो। मैं अच्छा खासा खुश था लेकिन तुम्हारी कड़वी बातों ने मेरा दिमाग बेकार कर दिया। महेश सोचता है, बुढ़ा बड़ा ही बदतमीज है। एक तो मैं इससे इसके भले की बात कह रहा था, ये तो उल्टा मुझे ही डांट रहा है। पता चलेगा जब शाम तक इसका भी दिन खराब जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही आगे को चलता है अचानक ठोकर लगने से नीचे गिर जाता है। महेश जोर जोर से हंसने लगता है। देखा मैंने कहा था ना ये मनहूस है। उदास होकर लल्लू लाल अपने घर जाता है और बिना खाना खाए स्कूल जाने लगता है। तभी लल्लू लाल के पिताजी मंगत लाल लल्लू से खाना ना खाने का कारण पूछते हैं। क्या हुआ बेटा, मैं तुझे कई दिनों से देख रहा हूँ तू उदास है। कल रात को भी तूने खाना नहीं खाया और तू अभी भी बिना खाए स्कूल जा रहा है। लल्लू लाल रोने लगता है। पापा मुझे स्कूल में सब मनहूस मनहूस कहकर चिढ़ाते हैं। लेकिन तुम्हें सब मनहूस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं जिसकी भी कॉपी पर चित्र बनाता हूँ वो साल फेल हो जाता है। लल्लू लाल के पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, जब पढ़ेंगे नहीं तो फेल होंगे ही और इल्जाम तुम पर लगा रहे हैं। लेकिन पापा मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे पैसे कमाने जाना है। मंगत लाल ने लल्लू लाल को पढ़ाई न छोड़ने के लिए खूब समझाया लेकिन लल्लू लाल नहीं माना। तो मंगत लाल ने सोचा, घर में पैसों की बहुत कमी चल रही है, जब से इसकी माँ मरी है तब से अब तक कर्ज नहीं उतरा। हो सकता है लल्लू लाल को कर्ज का पता चल गया है और इसीलिए ये बाहर कमाने जा रहा हो। पापा मुझे बाहर ही कमाने जाना है। ठीक है चले जाओ, लेकिन मन ना लगे तो वापस आ जाना। उस दिन लल्लू लाल पढ़ाई छोड़कर अपने मामा के पास दिल्ली पहुंच गया।
लल्लू लाल के मामा ने लल्लू लाल को मेलाराम सेठ से मिलवाया, जो दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्रीज का मालिक था। सेठ जी, ये मेरा भांजा है लल्लू लाल, ये बहुत अच्छी चित्रकारी करता है, आप चाहे तो इसका टेस्ट भी ले सकते हैं। आपको अपनी फैक्ट्री के बाहर चित्र बनवाने थे तो मैंने सोचा मैं अपने भांजे को ही ले आता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा चित्रकार मुझे कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, तो तुम लल्लू लाल को हमारी नई हवेली पर ले आओ, वहाँ हमने बाहर की दीवारों पर पेंट भी करवाया है, तुम अच्छे से सुंदर चित्र बनवाना जो दिखने में बहुत ही मनमोहक हो। ठीक है सेठ जी। लल्लू लाल अगले दिन से ही दीवार पर चित्र बनाने शुरू कर देता है। जो भी कोई चित्र को देखता वो लल्लू लाल की तारीफ करता। वाह सेठ जी ने क्या गजब का चित्र बनवाया है, ऐसे चित्र तो मैंने आज तक नहीं देखे। लोग मेलाराम सेठ के घर जाकर लल्लू लाल के चित्र की तारीफें करने लगे। मेलाराम लल्लू लाल की तारीफ सुनता तो खुश हो जाता। 3 दिन बाद जब लल्लू लाल काम पूरा करके मेलाराम के पास आता है तो सेठ जी अपनी हवेली देखाइए, मुझसे जैसा बना मैंने बना दिया। देखने की कोई जरूरत नहीं है। लल्लू लाल ने सोचा कि मेलाराम सेठ चित्र को देखने इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि शायद उनके नौकर चित्र देखकर आ गए हैं और उन्हें मेरी चित्रकारी पसंद नहीं आई हो, इसलिए मेलाराम सेठ गुस्से में ऐसा बोल रहा है। लल्लू लाल उदास हो जाता है। उदास मत हो बेटा, मेरे कहने का ये मतलब है कि मुझे तो राहगीरों ने मेरे घर आकर तुम्हारे चित्र के बारे में सब कुछ बता दिया। जब वो सभी तुम्हारे चित्र की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भला देखने की क्या जरूरत, मेरी तो फैक्ट्री है, तुम उन पर भी चाहो तो आज से ही काम शुरू कर दो और ऐसे ही मनमोहक चित्र बनाना। लल्लू लाल सेठ की बातें सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही चित्र बनाने शुरू कर देता हूँ। लेकिन तुम्हें काम शुरू करने से पहले हम जो पूछेंगे तुम्हें उसका सही सही जवाब देना होगा। ठीक है सेठ जी, पूछिए। तुम इतनी कम उम्र के लड़के हो, फिर तुम घर से कमाने क्यों बाहर निकले? क्या तुम्हारे घर में कुछ परेशानी है? इस उम्र में तो बच्चे पढ़ा लिखा करते हैं, तुम कमाने आ गए? लल्लू लाल सोचता है अगर उसने सेठ को अपनी मनहूस वाली बात बता दी तो शायद सेठ उसे नौकरी से निकाल दे और पिताजी अपने ऊपर के कर्ज को कभी भी नहीं चुका पाएंगे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई की बात न बताकर कर्ज की बात बता देता है। सेठ जी, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ का बड़ी बीमारी में देहांत हो गया। मेरे पापा ने माँ को बचाने के लिए माँ पर इतना पैसा लगाया, माँ तो नहीं बची लेकिन हमारे सिर पर बहुत कर्ज हो गया, इसलिए मैं बाहर कमाने आया हूँ ताकि कुछ पैसे कमाकर लोगों से लिया हुआ कर्ज उतार सकूं। सेठ लल्लू लाल की बातें सुनकर खुश हो जाता है और लल्लू लाल को कर्ज की सारी रकम दे देता है। लल्लू लाल वो रकम अपने मामा को दे देता है। लल्लू लाल के मामा उस रकम को मंगत लाल को दे देते हैं। मेरे बेटे ने तो कमाल ही कर दिया, आज सबका कर्ज दे दूंगा तो चैन की नींद आएगी। लल्लू लाल के पापा उन पैसों से सबका कर्ज चुका देते हैं और बहुत खुश होते हैं। उधर लल्लू लाल दिल्ली में फैक्ट्री पर चित्रकारी कर रहा था, तभी लल्लू लाल के पास सेठ का नौकर आता है और लल्लू लाल को डांटते हुए बोलता है, ऐ लड़के, इस काम को बंद कर, चल तुझे सेठ ने बुलाया है। लल्लू लाल सेठ के नौकर के साथ घर पहुंचता है। क्या हुआ सेठ जी, काम में कोई कमी रह गई क्या? मनहूस, तूने हमें बर्बाद करके रख दिया। तूने हमारी नई हवेली और 2 फैक्ट्रियों पर पेंट किया था ना, हमारी हवेली की सारी दीवारें गिर गई है और फैक्ट्री में आग लग चुकी है, इन सब का जिम्मेदार तू है और तू उसकी भरपाई करेगा। नहीं सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। इसे मकान में बंद कर दो। ये बात जब लल्लू लाल के मामा को पता लगती है तो वो सेठ से मिलने आता है। सेठ जी, मेरे भांजे ने जो अपराध किया है उस गलती की आपसे माफी तो नहीं मांग सकता, लेकिन क्या आप लल्लू राम की आखिरी इच्छा समझकर एक बार उस फैक्ट्री के मैनेजर और हवेली बनाने वाले मजदूर से मुझे मिलवा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। सेठ मेलाराम मकान बनाने वाले मजदूर और फैक्ट्री के मैनेजर को बुला लेता है। पूछो क्या पूछना है। लल्लू लाल के मामा हवेली बनाने वाले मजदूरों से पूछते हैं, तुमने हवेली बनाने में काम किया है, क्या ठेकेदार ने सही सीमेंट तुमसे लगवाया था? देखो सही सही बताना, नहीं तो तुम जानते ही हो तुम्हारा क्या परिणाम होगा। नहीं सेठ जी, ठेकेदार ने बहुत कम सीमेंट लगवाया था, हमने मना किया था कि ये हवेली 2 महीने में गिर जाएगी, लेकिन ठेकेदार ने हमारी एक नहीं मानी, हम मजदूर थे इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते थे,
अब लल्लूलाल के मामा फैक्ट्री के मैनेजर से पूछते हैं, क्या फैक्ट्री में कोई नए वर्कर आए थे? हाँ, दूसरी फैक्ट्री के वर्कर आए थे जो बहुत लंबे समय से दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। सेठ जी, अब तो आप समझ गए होंगे कि मकान क्यों गिरा और फैक्ट्री में आग क्यों लगी। आदमी अपने कामों से मनहूस होता है, अगर आप सावधानी बरतते तो ये सब नहीं होता। लल्लू लाल के मामा की बात सेठ को समझ में आ जाती है और वो लल्लू लाल को आजाद कर देता है।